हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्कमूल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वर्कमूल बहुत सारे कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन वर्कमूल की जरूरत है। तो दोस्तों, वर्कमूल निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, तो आइए देखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमने 1 का वर्गमूल लिया तो 1 होता है, 2 का वर्गमूल लिया 4 होता है, 3 का वर्गमूल लिया 9 होता है, 4 वर्गमूल लिया 16 होता है, 5 वर्गमूल निकाला 25, अगर 6 का वर्गमूल निकाले तो 7 का वर्गमूल, और 8 का वर्गमूल होता है 9 का वर्गमूल होता है एंड 10 का वर्गमूल होता है। इस हिसाब से एक छोटे सीक्वेंस का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जिस शब्द अंक के बाद, मान लीजिए 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75, 85 और 95, अगर जिसके साथ 5 जुड़ा हो, 5 का सीक्वेंस हो, तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब 35 का वर्गमूल निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि पहले आप सीक्वेंस को ध्यान दीजिएगा कि इस 5 का वो निकाल लीजिए। 5 बचा 25 होता है, आपने लिख दिया, बचा ये 3। 3 को देखते हुए प्लस 1 के साथ एक जोड़ देते हैं, ये हो जाता है आपका 4, और फिर इस 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 4 दिया 12, यानी 35 हो गया 1225 वर्गमूल हो गया। इस प्रकार देखते हैं 45 का, देखते हैं तो 45 का फिर 5 का स्क्वायर निकालिए, 5 बचा 25, बचा ये 4 प्लस 1 जोड़ दीजिए, हो गया 5 इंटू इस 4 साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 4 5 20, ये 2025 हो गया। इसी प्रकार से निकालेंगे कितना का 55 का, देखिए ये इसका हो गया 5 बचा 25 और ये बचा प्लस 1, 6 × 5 कितना हो गया 6 5 6 30, ये आपका इसका हो गया। आप 75 कैसे निकाल लेंगे, कितना हो गया 5 बचा 25 और ये 7 8 × 7 8 से 56, 85 किसी तरह निकाल लेंगे, 5 5 25 8 है 9 × 8 9 8 72। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से अगर आप इक्वेशन 35 45 55 65 75 85 और 95, यानी 5 के सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप अभी तक नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।